स्टूडेंट, आज हम एसएसटी में हिस्ट्री में लेसन नंबर 8 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इस लेसन के फर्स्ट पार्ट में हमने रॉक एडिट तक पढ़ लिया था। अब हम इस लेसन में आगे रीड करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर। द मयूरन पीरियड इज मार्क्ड बाय एन एडवांस लेवल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इट वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुद्धिस्ट आर्ट। द अशोकन पिलर्स, न्यूमेरियस स्तूप, स्कल्पचर्स, केव रेजिडेंस ऑफ एशियंस एक्सेट्रा स्टैंड आउट ऑफ एन फाइन एग्जाम्पल ऑफ मयूरन आर्ट। द टॉल अशोकम पिलर वर मेड आउट ऑफ ए सिंगल स्टोन विच वॉज कट शेप्ड एंड पॉलिश्ड। वन सच पिलर वॉज इरेक्टेड एट सारनाथ इन उत्तर प्रदेश। द टॉप पार्टीशन ऑफ दिस पिलर कॉल्ड द लॉयन कैपिटॉल हैज फोर लॉयन स्टैंडिंग बैक टू बैक। इट नाउ फॉर्म द नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। अनदर मास्टर पीस ऑफ द मयूरन आर्ट इज द ग्रेट स्तूप एट सांची। मयूरन अम्पायर जो है, इस पीरियड जो मायरन पीरियड था, ये बहुत ही एडवांस लेवल था आर्ट और आर्किटेक्चर में। ये पूरा इस समय के जो आर्ट और आर्किटेक्चर था वो पूरी तरह बुद्धिस्ट आर्ट से प्रभावित था। अशोक के जो पिलर हैं और बहुत सारे स्तूप हैं, मूर्तियाँ, गुफाएं और तपस्वियों के जो रेजिडेंस हैं, रहने के स्थान हैं, वो उनमें जो है बहुत ही फाइन एग्जाम्पल है वो मयूरन आर्ट के। अशोक के जो लंबे से पिलर हैं जो कि एक सिंगल स्टोन को काटकर बनाए गए हैं और उनपे पॉलिश की गई है, इसमें जो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है वो सारनाथ में खड़ा किया हुआ पिलर है जो कि उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है। इसका जो टॉप पोर्शन है पिलर का वो कहलाता है लॉयन कैपिटॉल। इसमें फोर लॉयन हैं जो कि एक दूसरे के बैक टू बैक में खड़े हैं। ये हमारा नेशनल सिंबल भी है। एक और मास्टरपीस है मयूरन आर्ट का, वो है सांची का स्तूप। द फोर रॉक कट बराबर केव इन बराबर हिल्स नियर गया इन बिहार रिप्रेजेंट अनदर मास्टर पीस ऑफ द मयूरन आर्किटेक्चर। दीज केव आर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोक एम्परर अशोका फॉर द अजीविकास। फॉर द फोर ऑफ द फोर केव्स द लोमस ऋषि केव हैज द बिगेस्ट रेक्टेंगुलर चैम्बर विच वॉज अडॉर्न विद ग्लास लाइक पॉलिश। अमंग स्कल्प्टर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द यक्षी फाउंड द दिगरगंज नियर पटना। इसमें जो है फोर रॉक्स को कट करके बार्बर केव बनाई गई है जो कि बार्बर हिल्स गया के पास बिहार में स्थित है। ये भी मयूरन आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। ये जो गुफाएं हैं वो अशोक के समय की हैं जब वो अजीविकास में थे, अजीविकास के लिए बनाई गई थी। और इसमें चार केव्स हैं, गुफाएं हैं, जिसमें लोमश ऋषि केव जो है वो बहुत ही उसमें बड़ा रेक्टेंगुलर चैम्बर है जो कि ग्लास से सजी हुई है और शीशे से, और उसमें ऐसे पॉलिश की तरह। इसके अलावा बहुत सी मूर्तियां हैं जो जिसमें बेस्ट एग्जाम्पल है यक्षी का जो कि दिगरगंज नियर पटना में स्थित है। मयूरन एडमिनिस्ट्रेशन। द मयूरन एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसिडर एज वन ऑफ द बेस्ट इन एंशियंट टाइम। द मयूरन किंग बाय ब्रिंगिंग ऑलमोस्ट द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट अंडर देयर रूल प्रोवाइड पॉलिटिकल सब स्टेबिलिटी। दिस रिजल्ट इज एन इरा ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल हार्मनी, रिलीजियस टॉलरेंस, स्प्रेड ऑफ नॉलेज एंड प्रोग्रेस इन साइंस। मयूरन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पुराने समय का एक बहुत ही सबसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था। मयूरन जो किंग थे वो पूरे भारत के प्रायद्वीप पर उन्होंने अपना राज्य किया था और उन्होंने प्रोवाइड की थी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इसका रिजल्ट था कि इस इरा में जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल हार्मनी और धार्मिक सहनशीलता और ज्ञान का प्रसार और साइंस का विस्तार भी इसी इरा में हुआ था।
एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। पाटलिपुत्र वॉज द कैपिटल ऑफ मयूरन एम्पायर विच वॉज डिवाइडेड इंटू फोर प्रोविनेंस। द कैपिटल ऑफ द फोर प्रोविनेंस वॉज तोशिल इन ईस्ट, उज्जैन इन द वेस्ट, श्रवणगिरी इन द साउथ एंड तक्षशिला इन द नॉर्थ। द प्रोविनेंस वर फर्दर डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट। द डिस्ट्रिक्ट कंसिस्टेड ऑफ नगर एंड ग्राम्स। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर वॉज प्राइमली सुपरवाइज्ड बाई टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द प्रोविनेंशियल गवर्नमेंट। पाटलिपुत्र जो है वो मयूर साम्राज्य की राजधानी थी, जो कि चार प्रांतों में डिवाइड थी। तोशील ईस्ट में, वेस्ट में उज्जैन, साउथ में श्रवणगिरी और नॉर्थ में तक्षशिला। ये जो प्रांत थे ये आगे चल के डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड थे, और डिस्ट्रिक्ट नगर और गांव में। एडमिनिस्ट्रेशन का जो एम्पायर था वो सुपरवाइज करता था दो गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट। द किंग हु इंजॉयड सुप्रीम पावर हेडेड द सेंट्रल गवर्नमेंट विच हैज कंट्रोल ओवर द एंटायर Empire. He was also the supreme head of the army and the chief justice of the kingdom. The king utilized the service of a Mantri Parishad, prince and official called Mahamantra to run the administration. जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसकी जो सुप्रीम पावर थी वो राजा के पास थी, वही सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड था और पूरे राज्य को वही कंट्रोल करता था। उसके पास बहुत बड़ी आर्मी थी, वो उनका हेड था और न्याय का चीफ भी वही था। जो किंग है उसकी जो सेवाएं होती थी उसके लिए उसके पास मंत्रिपरिषद, प्रिंस और ऑफिशियल उनके अपने होते थे जिन्हें महामंत्र कहा जाता था, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में उनकी हेल्प करते थे। सेकंड है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। कुमार वर द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रोविंस। दे गवर्न द प्रोविंस एज द किंग्स रिप्रेजेंटेटिव। दे वर असिस्ट बाय ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड महामंत्र हु आवर हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट। द विलेज हैड ग्रामीण एज हेड। प्रोविंस जो गवर्नमेंट थी वो कुमार जो थे उसमें हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते थे उस प्रांतों के। वो जो अपनी गवर्नमेंट चलाते थे वो राजाओं के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा चलाते थे, और उसके जो उन्हें जो असिस्ट करते थे वो होते थे उनके राज काउंसिल के मिनिस्टर और महामंत्र, जो कि डिस्ट्रिक्ट के हेड होते थे, और विलेज के जो हेड हैं वो ग्रामीण होते थे। गवर्नेंस ऑफ द कैपिटल। स्पेशल अटेंशन वॉज पेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कैपिटल पाटलिपुत्र। सिक्स डिपार्टमेंट गवर्न बाय इंडिविजुअल कम्युनिटी वर इंस्टॉल्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कैपिटल सिटी। विच कमेटी कंसिस्ट ऑफ फाइव मेंबर। दिस कमेटी लुक आफ्टर द इंडस्ट्री, सेंसस, ट्रेड, टैक्सेशन कलेक्शन एंड केयर ऑफ फॉरनर एक्सेट्रा। स्पेशल दो अटेंशन थी वो उसकी राजधानी पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन पे थी। उसमें सिक्स डिपार्टमेंट थे जो कि व्यक्तियों द्वारा या उनकी कमेटी द्वारा चलाई जाती थी, और उसमें ईच जो कमेटी होती थी, प्रत्येक कमेटी उसमें फाइव मेंबर्स होते थे जो कि देखभाल करते थे इंडस्ट्री का, सेंसस का, व्यापार का, टैक्स कलेक्शन का, और जो विदेशी होते थे उनकी केयर का। डिफेंस एंड स्पाई सिस्टम। द मयूरन किंग मेंटेन ए लार्ज एंड वेल एक्यूपाइड आर्मी। द मेन यूनिट ऑफ द मयूरन एम्पायर वर इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट कैरियर्स एंड नेवी। ए सेपरेट विंग टुक केयर ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड एंड द प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स फॉर द सोल्जर। द सोल्जर वर पेड वेरी वेल एंड वर ऑलवेज रेडी टू टेक एक्शन। मयूरन जो राजा थे वो उनके पास एक बहुत बड़ी और अच्छी आर्मी थी। उसमें जो मेन यूनिट थी मयूरन एम्पायर की वो थी इन्फेंट्री यानी पैदल सेना, घुड़सवार, हाथी, रथ और नेवी, और उनमें एक सेपरेट विंग मंजिल होती थी जो कि उन्हें सप्लाई करती थी सामान की और हथियारों की। सोल्जर को बहुत अच्छा पेड किया जाता था, सैलरी मिलती थी, जिससे कि वो हमेशा एक्शन के लिए रेडी रहते थे। द मयूरन किंग ऑल्सो डेवलप्ड ए गुड स्पाई सिस्टम टू
कीप वॉच ऑन द मिनिस्टर प्रोविनेंस गवर्नर एंड देयर ऑफिशियल द स्पाई हु आल्सो इंक्लूड वुमेन गेव द किंग्स फीडबैक ऑन द पीपल व्यू अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन दे कीप द एम्परर इन्फॉर्म अबाउट एवरीथिंग हैपनिंग इन द एम्पायर The emperor never slept for two nights in the same room for security reason. He never ate food without having it tasted by servant first. The spies were his eyes and ear. मयूरन राजाओं का एक अपना एक बहुत ही अच्छा गुप्तचरों का नेटवर्क होता था जो कि देखरेख करता था उनके मिनिस्टर की प्रांतों के गवर्नर की और उनके ऑफिशियल जो असिस्टेंट थे उनकी जो ये गुप्तचर होते थे इनमें महिलाएं भी शामिल होती थी जो राजा को उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लोगों की राय की फीडबैक देती थी वो जो है सभी प्रत्येक चीज़ों को जो राज्य में उनके घटित हो रही है उनके बारे में राजा को इन्फॉर्म करती थी राजा जो था वो कभी भी एक दो रात एक ही रूम में नहीं सोता था फॉर सिक्योरिटी रीजन अपनी रक्षा के लिए कभी भी वो फूड जो है वो कभी भी खाना नहीं खाता था बिना अपने सर्वेंट के टेस्ट किए बगैर मतलब अगर उसे खाना दिया जाता था तो पहले उसे सर्वेंट टेस्ट करते थे उसके बाद राजा खाना खाता था जो उसके गुप्तचर थे वही उसकी आंखें और कान हुआ करते थे जुडिशियल सिस्टम द कोर्ट किंग्स कोर्ट एट पाटलिपुत्र वाज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस जुडिशियल कोर्ट वर सेट अप इन ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री दिस प्रोवाइड जस्टिस टू द मासेस पेटी कास्ट वर डिसाइडेड बाय द विलेज पंचायत द जो पाटलिपुत्र का में राजा का जो दरबार था वही हाईएस्ट कोर्ट था न्याय के लिए जो जुडिशियल कोर्ट थे वो कई पार्ट में कंट्री में सेट थे और जो जस्टिस जो जो कि प्रजा को न्याय प्रदान करते थे छोटे जो केस होते थे वो गांव की पंचायतें ही डिसाइड कर दिया करती थी द सिस्टम ऑफ जस्टिस एज वेल ऑर्गेनाइज्ड द एम्परर वाज वेरी स्ट्रिक्ट एंड गेव हराश पनिशमेंट डेथ पेनल्टी वाज कॉमन सो देयर वर लॉ एंड ऑर्डर एंड क्राइम वर फ्यू जो न्याय का सिस्टम था वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज था जो राजा थे वो बहुत ही स्टिक होते थे और बहुत ही कठिन पनिशमेंट दिया करते थे उस समय मृत्युदंड जो था वो बहुत ही आम था इसलिए उस समय न्याय बना रहता था और जो क्राइम था वो बहुत ही कम होता था सोसाइटी एंड इकोनॉमी सोशल क्लास वी गेट एन इंडिया ऑफ द क्लास डिविजन ऑफ मयूरन सोसाइटी फॉर मेगा स्मिथ बुक इंडिका ही लिस्टेड सेवन क्लास ऑफ द मयूरन सोसाइटी दीज वर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य काउंसलर पीजेंट आर्टिशियन एंड शेफर्ड द ब्राह्मण एंड क्षत्रिय एंड द वैश्य इंजॉय हाई स्टेटस जो कास्ट सिस्टम का जो आइडिया है वो हमें मेगास्थनीज की बुक इंडिका से प्राप्त होता है उन्होंने ये बताया है अपने बुक में कि उस समय सेवन क्लास होती थी मयूरन समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य काउंसलर पीजेंट यानी किसान आर्टिशियन और शेफर्ड ब्राह्मण क्षत्रिय और जो वैश्य थे वो हाई स्टेटस को इंजॉय करती थी स्लेवरी एग्जिस्ट बट स्लेव वर नॉट बैडली ट्रीटेड द कास्ट सिस्टम वॉज प्रिवलेंट एंड ओनली मैरिज विद इन द कास्ट वर अलाउड द पीपल वर ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वॉज हाई पीपल ड्रेस्ड एंड एट वेल क्राइम वॉज अनकॉमन एंड पीपल लेफ्ट देयर हाउस ओपन वुमेन हैड ए हाई पोजिशन इन सोसाइटी ऑल क्लास ऑफ पीपल लिव्ड पीसफुली दे वर फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन उस समय जो है दासता जो थी वो लगभग विलुप्त थी पर जो भी दास होते थे उनको बैडली ट्रीट नहीं किया जाता था कास्ट सिस्टम जो थी वो थी उस समय और जो मैरिज थी वो केवल उसी कास्ट में अलाउड थी पीपल जो थे लोग प्रजा के वो बहुत ही ऑनेस्ट और सरल स्वभाव के थे
और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो बहुत हाई था। लोग अच्छे से खाते थे और अच्छे से ड्रेसअप रहते थे, यानी जीवन बहुत अच्छे से उनका यापन होता था। क्राइम उस समय बहुत कम हुआ करता था, लोग अपने घरों को खुला भी छोड़ देते थे। वोमेन की जो है सोसाइटी में हाई पोजीशन थी, और जो क्लास थे सभी वर्ग के जो लोग हैं वो पीसफुली रहते थे, और उस समय किसी भी धर्म को अपनाने के लिए लोग फ्री थे। प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, द ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीस हैज रिटर्न अबाउट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल इन मायरन रूल। ही राइट्स, द इंडियन ड्रेस इन ब्राइट एंड रिच कलर, दे लिबर्टी यूज्ड ऑर्नामेंट एंड जेम्स, द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल कुड बी एट्रीब्यूट टू द सेंट्रलाइज रूल ऑफ मायरन किंग्स हु प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीस ने अपनी बुक में लिखा है कि उस समय जो समृद्धि थी मायरन रूल की वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने कहा कि लोग उसमें जो इंडियन ड्रेस पहनते थे वो बहुत ही चमकदार और बहुत अच्छे कलर होते थे। लोग जो हैं ऑर्नामेंट गहनों का और हीरे मोतियों का यूज करते थे। लो प्रॉस्पेरिटी बहुत ज्यादा थी, जिसका केंद्रीकरण मयूरन राजाओं का था कि वो अपने समय में व्यापार को बहुत और एग्रीकल्चर को बहुत डेवलप कर रखते थे, जिससे कि जो आम लोग थे वो भी अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द मयूरन एम्पायर, एंड लैंड रेवेन्यू वॉज द चीफ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट। देयरफॉर फार्मर वॉज प्रोवाइड इरीग्रेशन फैकल्टी एंड अदर इंटेंसिव टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। राइस, बेली, वीट वर द कॉमन कल्टिवेटेड सेरल्स। मैनी डिफरेंट क्राफ्ट आल्सो फ्लोरिस्ड, टेक्सटाइल, ज्वेलरी एंड परफ्यूम्स वर मेड। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन दिस श्रीलंका, म्यांमार, इजिप्ट, सीरिया एंड मैकडोनिया। एग्रीकल्चर उस समय के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था, और लैंड रिवेन्यू जो भूमि कर था वो चीफ सोर्स था स्टेट की इनकम का। इसलिए फार्मर को प्रोवाइड किया जाता था सिंचाई की फैसिलिटी और प्रोत्साहन राशि, जिससे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को आगे बढ़ा सके। राइस, ब्राइली, वीट, ये सब कॉमन उस समय अनाज उगाया जाता था, और बहुत सा क्राफ्ट भी उस समय लोग करते थे, जैसे टेक्सटाइल, ज्वेलरी बनाना, परफ्यूम बनाना। और व्यापार जो था वो श्रीलंका, म्यांमार, इजिप्ट, सीरिया और मैकडेनिया के साथ अच्छे से किया जाता था। पंचमार्ड सिल्वर कॉइन वर यूज्ड, दे हैड सिंबल ऑफ सन, एलिफेंट, स्नेक, ट्री, एक्सेट्रा। मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल हैव बीन फाउंड। उस समय पंच मार्क्स के सिल्वर कॉइन होते थे जिन पे मार्क होता था। ये सिंबल हो सकते थे सन के, सूरज के, हाथी, स्नेक या ट्री के, और बहुत से सिंबल उस समय पाए जाते थे। देवर प्रॉब्ली साइन ऑफ पर्टिकुलर किंग, और उसमें राजाओं का साइन भी होता था। ऑक्यूपेशन लाइक प्रोडक्शन ऑफ आर्म एंड एग्रीकल्चर, इम्प्लीमेंट, ट्रेड थ्रू लैंड एंड वाटर रूट्स, माइनिंग एंड फॉरेस्ट्री ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू प्रॉस्पेरिटी ऑफ द मयूरन इकोनॉमी। तक्षशिला, पाटलिपुत्र एंड उज्जैन वर इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। इंडियाज एक्सपोर्ट इंक्लूड सिल्क, गुड, टेक्सटाइल, स्पाइस, एक्सेट्रा। ट्रेड वॉज कैरिड आउट फॉरिजन कंट्री लाइक चाइना, रोम, इजिप्ट एंड श्रीलंका। ऑक्यूपेशन जो थे उस समय वो था हथियार बनाना, औजार बनाना, भूमि के और व्यापार करना, वाटर रूट से, लैंड से मीनिंग करना, फॉरेस्ट्री का वर्क करना। ये सब जो थे मयूरन इकोनॉमी की प्रॉस्पेरिटी में ये अपना योगदान देते थे। तक्षशिला, पाटलिपुत्र और जो उज्जैन थे वो इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर थे उस समय। और इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता था सिल्क के सामान का, टेक्सटाइल का, मसालों का, और ट्रेड जो था वो दूसरी विदेशी कंट्रियों के साथ, जैसे कि चाइना, रोम, इजिप्ट और श्रीलंका के साथ भी किया जाता था। टैक्सेशन, टेम्परर रिक्वायर्ड मनी फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। द अर्थशास्त्र टेल अस दैट टैक्सेशन वाज ए मेजर फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ऑल लैंड बिलोंग टू द किंग एंड द फार्मर हैड टू गिव ए सर्टेन अमाउंट ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन एज टैक्स, स्पेशल ऑफर कलेक्टेड टैक्स। द पीपल वर आल्सो रिक्वायर्ड टू पे सेल टैक्स एंड वाटर टैक्स। द टैक्स कलेक्टेड बाय द एम्परर इनेबल हिम टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एम्पायर। द मनी वॉज यूज टू मेक रोड, डैम्स एंड कैनाल। ट्रीज वर प्लांटेड अलॉन्ग द रोड साइड एंड हॉस्पिटल एंड रेस्ट हाउस वर बिल्ट। द
अल्टीमेट पावर वॉज द इन द हैंड ऑफ द एम्परर एंड ही अपॉइंटेड एंड पेड ऑल द इम्पोर्टेंट ऑफिशियल लाइक ट्रेजर टैक्स कलेक्टर एक्सेट्रा. जो सम्राट था वो उसको मनी जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड थी. अर्थशास्त्र में ये बताया गया है कि टैक्सेशन जो है वो उस समय की गवर्नमेंट का मेन फंक्शन था, और ये सब राजा और फार्मर जो थे वो राजा को अपनी फसल का एक फिक्स अमाउंट टैक्स के रूप में दिया देते थे जो भी वो उगाते थे. स्पेशल ऑफर जो था वो टैक्स को कलेक्ट करना था. लोग जो हैं पे करते थे सेल टैक्स और वाटर टैक्स. ये जो टैक्स थे ये राजा को के द्वारा कलेक्ट किए जाते थे अपने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और इस मनी का यूज़ किया जाता था रोड बनाने में, डैम बनाने में, कैनाल बनाने में, ट्री को जो है दोनों रोड साइड के में उगाया जाता था, हॉस्पिटल और हाउस बनाए जाते थे लोगों के लिए. जो अल्टीमेट पावर थी वो राजा के पास होती थी, और उसके जो द्वारा अपॉइंट किए गए जो ऑफिशियल लोग थे उनके द्वारा ये टैक्स कलेक्ट किया जाता था. जैसे ट्रेजर और टैक्स कलेक्टर जो थे वो राजा के द्वारा अपॉइंट किए गए उसके ऑफिशियल ऑफिसर थे. अशोका'स डेथ एंड डिक्लाइन ऑफ द मयूरन एम्पायर. अशोका रूल्ड ओवर फॉर नियरली 40 ईयर्स. आफ्टर हिम द मयूरन एम्पायर slowly declined. The British historian H.G. Wells has written, amidst the ten of thousand the name of monarch that crowd the column of history, the name of Ashoka shine and shine almost alone a star. अशोक ने कम लगभग 40 ईयर्स तक राज्य किया. उसके बाद जो मयूरन अम्पायर था वो धीरे धीरे उसका पतन होने लगा. ब्रिटिश हिस्टोरियन H.G. वेल्स ने अपनी भाषा में अपनी बुक में लिखा है कि थाउजेंड टेन ऑफ थाउजेंड जो नाम है उनके बीच में ऐसे नाम जिन्होंने एक राजा ने जिस तरह राज किया उसकी भीड़ में अशोक का जो नाम है, सम्राट अशोक का जो नाम है वो शाइन करता है, करता रहेगा एक स्टार की तरह. आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका 232 BCE द मयूरन एम्पायर लास्टेड ओनली 50 ईयर्स रूल ड्यू टू ए सक्सेशन ऑफ वीक मयूरन रूलर. किंग ब्रिहद्रथा प्रूव्ड टू बी द लास्ट मयूरन रूलर. In 185 BCE, he murdered by his own commander-in-chief, Pushyamitra Shunga, who founded a new dynasty. अशोक की मृत्यु के बाद 232 BCE में मयूरन एम्पायर जो है 50 ईयर्स तक उसका उसके उत्तराधिकारी कमजोर उत्तराधिकारी रहे. राजा बृहद्रथा जो थे वो लास्ट मयूरन रूलर सिद्ध हुए हैं. 185 BCE में उनकी जो मृत्यु है उनके ही कमांडर चीफ द्वारा की गई थी, और उसने जो है नई वंश का स्थापना की. सम रीजन फॉर द डेक्लाइन ऑफ द मयूरन एम्पायर इज लिस्टेड बिलो. उस मयूरन एम्पायर के पतन के कुछ निम्न कारण हैं जो कि आपको आगे बताए जाएंगे, जिसमें नंबर वन है अशोका सक्सेसर वर नॉट एफिशिएंट एनफ टू टेक केयर द लार्ज एम्पायर. अशोका के जो उत्तराधिकारी थे वो पर्याप्त नहीं थे कि वो इतने बड़े राज्य को संभाल सकें. द कंट्रोल ओवर द डिस्टेंस एरिया ऑफ द एम्पायर सोली डेक्लाइन. और जो उनका कंट्रोल था दूरस्थ एरियों में वो धीरे धीरे कम हो गया. द लार्ज एंड मयूरन आर्मी बिकम वीक एंड इन एफिशियंट एज द स्टेट ट्रेजरी डिड नॉट हैव मनी नीडेड फॉर पर्पस प्रॉपर मेंटेनेंट ऑफ द आर्मी. जो मयूरन एम्पायर की आर्मी थी बहुत बड़ी वो धीरे धीरे कमज़ोर हो गई, और जो स्टेट का खजाना था वो भी कम हो गया, जिससे कि जो मेंटेनेंस होनी चाहिए आर्मी की उस वो नहीं हो पाई. इन एफिशिएंट किंग एंड वीक आर्मी इनकरेज द प्रोविनेंस गवर्नर टू लॉन्च रेवलॉट एंड declare themselves independent for the center government. राजाओं के अपर्याप्त होने और कमज़ोर होने के और आर्मी के कमज़ोर होने पर जो प्रांत के गवर्नर थे उन्होंने क्रांति
क्रांति को उत्पन्न करा और अपने आप को स्वयं को ही जो है स्वतंत्र रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट घोषित कर दिया। ओके स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। गुड बाय।